सियालकोट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैर खरीत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग सियालकोट से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। ईद का तीसरा दिन था। पहले हम लोग लाल ट्रेवल की तरफ गए तो वहाँ पर कोई बस नहीं लगी हुई थी। फिर हमें ये कोस्टर मिली तो दो टिकटें लेके हम लोग बैठ गए और ये निकली थी तकरीबन 8:30 निकली थी, तो 2 बजे के करीब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे थे। ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा था। आप लोगों को पता, अगर आप लोग सियालकोट रहते हो तो रोड कितनी ख़राब है, इस हद तक ख़राब है कि हमें तकरीबन 1 घंटा लगता है अपने घर से सियालकोट तक। इतनी सड़कें ख़राब है और कोई सही करने वाला ही नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीटें मिल गई। तो बीच में ये हमारे 3 घंटे बाद बस स्टॉप आया था, स्नैक्स लिए थे, ड्रिंक्स ली थी, चिप्स विप्स लिए थे। आपको पता है ट्रैवलिंग में हो तो स्नैक्स तो बनता ही है, और वैसे भी मेरे हस्बैंड ये चिप्स वगैरह स्नैक्स खाते हैं। 2 बजे के करीब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे। पहले हमने इस्लामाबाद का मशहूर बूम बूम रोल पराठा लिया हॉट एंड स्पाइसी से। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी होता है, वो स्पाइसी होता है। पहले वो लिए, फिर हम लोग घर की तरफ निकले थे ताकि सब मिल बैठ के खाए। एक तरफ तो मैंने सरप्राइज़ दिया था घर वालों को, किसी ने नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। मुझे हस्बैंड ने माशाल्लाह मुझे पहली दफ़ा हस्बैंड ने गजरा बनाया है। और ये हम लोग KFC आए हुए थे, हस्बैंड लेकर आए हुए थे मुझे KFC। इनको भी बड़ा पसंद है, मुझे भी बड़ा पसंद है, स्पेशली मुझे हॉट विंग्स बड़े पसंद है। इस्लामाबाद आके तो हमारी फुल टाइम याशी लगी हुई थी। पहले KFC ये थे, उसके बाद पूरी फैमिली के साथ हम लोग आइसक्रीम खाने आए थे। ये जो मॉडल लगा आ गया ना, ये तुम्हारा हो गया। ये कौन सी है? ये मेरी चॉकलेट, ये उन्हें लाने की, ये चॉकलेट फ्लेक्स। आइसक्रीम खा के हमने थोड़ी सी वॉक की। द फेमस आईएट का टाइम स्क्वायर है, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स खुले हुए हैं, खाने पीने की आउटलेट खुली हुई है, KFC है और बहुत कुछ है। अगर आप इस्लामाबाद जाए और ज़रूर आईएट विज़िट करें। मोस्ट यहाँ पर फेमस अल बेक की आउटलेट भी है, ट्राई करें। मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया, हाँ ओरिजिनल वाला ट्राई की। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अगर सारे बहन भाई जमा हो जाए तो फिर रात को तो खाना बनता है। हम लोग लो जी, हमारा वापसी का भी सफ़र स्टार्ट हो गया, क्योंकि हस्बैंड थोड़ी छुट्टियां पे आए थे तो हमने नेक्स्ट डे ही बस पकड़ ली थी। ब्लड ट्रेवल्स की शुक्र है बस मिल गई थी। सर्विस अच्छी है, टाइम पे पहुंचा देती है, लेकिन सीटें कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इनकी सीटें। और जहाँ ये लोग पिट स्टॉप करते हैं वो तो नहायत ही गंदा एरिया है, इसके वॉशरूम भी नहीं अच्छे, कुछ भी अच्छा नहीं है, खाना भी इवन तो खाना भी नहीं अच्छा। तो ये थोड़े से इम्प्रूवमेंट कर लेना ब्लड ट्रेवल्स तो बहुत ही अच्छा। हमारा सफ़र आधा सोने में गुजरा और आधा खाने पीने में गुजरा और बातचीत करने में गुजरा, लेकिन शुक्र है सफ़र अच्छा गुजर गया। अगर साथी अच्छा हो, मज़े वाला हो, बातें करने वाला। नेक्स्ट डे पर हम लोग गैरिसन पार्क गए। ये तो मैं पहली दफ़ा जा रही थी गैरिसन पार्क, काफ़ी अच्छा पार्क है, झूले भी अच्छे हैं, और लेकिन गर्मी बहुत थी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। सारे झूले देख लिए, ये भी देख लिए कि कौन सा तेज़ है, कौन सा स्लो, किस पे डर नहीं लगता, किस पे लगता है। तो आखिरकार मैंने और हस्बैंड ने तय किया कि हम लोग एक झूला लेंगे जिस पे हमें डर भी ना लगे, इंजॉय भी करें और मज़े से हम लोग मतलब इंजॉय करें। गैरिसन पार्क में इंजॉय करके निकले तो भूख लग गई, तो फिर हम लोग सियालकोट के M18 रूफ टॉप पर आए। यहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, सेटअप भी बड़ा अच्छा था। मुझे लगता है कि ये न्यू कैफ़े ओपन हुआ है रिसेंटली, अभी ओपन हुआ है,
तो खाना भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन बस सर्विस बड़ी स्लो थी। तकरीबन हमें 1 घंटे बाद हमें खाना मिला था और मतलब सब कुछ बड़े मज़े का था। हमने तो बर्गर, पास्ता और विंग्स ऑर्डर किए थे, चीज़ी पास्ता, विंग्स, ये सब कुछ ऑर्डर किया। फिर हस्बैंड वापस चले गए। अल्लाह मियाँ सबको कामयाब करे, मेरे हस्बैंड को भी, जो भी परदेश में रहते सबको।